क्या मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में है? क्या शिवराज की जगह किसी और को सीएम बनाने की कवायद चल रही है? इंदौर में एक कार्यक्रम की तस्वीरों से ये सवाल उठे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी बात को संभाल लिया, लेकिन यह भी कह दिया कि शायद भगवान की यही इच्छा है। इंदौर में यह कार्यक्रम हो रहा था जहां पर कैलाश विजयवर्गीय संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने राज्य की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात को संभाल लिया। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की बहुत ही यशस्वी युवा खेल मंत्री आज के मुख्यमंत्री आज के मुख्य अतिथि। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ऊपर से सब कुछ निकलते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, मेरे मुंह से मुख्यमंत्री निकल गया। ऊपर से वो कह रहे हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो सुना आपने वो पूरा बयान जिसमें क्या किसी तरह के संकेत दे रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हम अब रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये जुबान ही फिसली है या फिर कुछ और संकेत या कुछ और मकसद इसके पीछे? देखिए श्री, पहले तो जवान फिसली जैसा लग रहा है, मगर बाद में उनको जब संभालना चाहिए तो उन्होंने संभालने की जगह वो तमाम अटकलबाजियों को बल दे दिया जो इन दोनों मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लग रही है। जब से गुजरात में मुख्यमंत्री का नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तब से मध्य प्रदेश में भी लगातार अटकलें चल रही हैं। कभी नरोत्तम मिश्रा दिल्ली जाते हैं तो उस बात को बल मिल जाता है, कभी मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं तो उस बात से बल मिल जाता है, और कभी फिर इस तरीके की अटकलबाजी शुरू हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के दमदार और महासचिव हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने कल अपना बयान दिया, उनके मुंह से जवान फिसली, जवान फिसलने के बाद उन्होंने उसको संभालने के बजाय सीधा सीधा उसको और बढ़ावा दिया, उसे लग रहा कुछ ना कुछ पक तो जरूर रहा है। और इस सब मुद्दे को लेके कांग्रेस क्या सोच रही है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी जी हैं। जीतू भाई, ये जो आपके इंदौर में ही कल जो कैलाश जी का बयान आया, आपने ट्वीट भी किया है, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बात यह है कि सत्ता की जो लूट हुई उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। सत्ता लूटी गई, एक क्यों भोगे? हर महीने मुख्यमंत्री बदला जाता है, हर महीने अफवाहें उड़ती है, कभी नरोत्तम मिश्रा बनेंगे, कभी यशोधरा सिंधिया बनेगी, कभी बीडी शर्मा बनेगा, कभी तोमर साहब बनेंगे, कभी अलग अलग, रोज हर महीने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अस्थिर है? ये मध्य प्रदेश के साथ एक कुठाराघात है, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ कुठाराघात है। एक तरफ हम 3 लाख करोड़ के कर्ज में चले गए, किसानों की आय 88 रुपये हो गई रोज की, एक तरफ बेरोजगारी में हम नंबर 1 आ गए, और फिर मुख्यमंत्री अस्थिर है, इनने सत्ता लूटी है। ये मध्य प्रदेश के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर एक एक भारतीय जनता पार्टी का नेता धोखा कर रहा है। तो देखिए, कांग्रेस इसको इस रूप में ले रही है कि जो मध्य प्रदेश में जो अस्थिरता का दौर चल रहा है उसको इस तरीके की अटकलों से बढ़ावा मिल रहा है, और निश्चित ही ये अटकलबाजी तो है ही। साथ ही जो कैलाश विजयवर्गीय है उनके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है, तो उन्होंने जिस तरीके से इस बात को संभाला और उस बात को और प्रचारित किया और बाद में उन्होंने उसको बढ़ावा भी दिया, उस बात को उन्होंने लपेटा नहीं बल्कि कहा कि यदि मेरे मुँह से निकल गया है तो आप मुख्यमंत्री बनी जाइए, तो निश्चित ही एक ऐसी अटकलबाजी, ऐसा बयान है जिसने मध्य प्रदेश में अस्थिरता को बढ़ावा देने का काम और अटकलबाजी लगाने का काम तो बढ़ा ही दिया है। जी ब्रजेश, आप रहे हमारे साथ, एक बार फिर से पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने उस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा था जिस पर जीतू पटवारी भी हम निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ पूरी बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही थी और किस तरह से संभाला था वो एक बार दिखाते हैं आपको। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की बहुत ही यशस्वी युवा खेल मंत्री आज के मुख्यमंत्री आज के मुख्य अतिथि। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ऊपर से सब कुछ निकलते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, मेरे मुँह से मुख्यमंत्री निकल गया। ऊपर से वो कह रहे हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, अगर बोल गया। देखिए ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। ब्रजेश, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, कैलाश विजयवर्गीय को बहुत लंबे वक्त से आप भी देख रहे हैं और बहुत संभल कर बोलते हैं और कई बार बातें इशारों में कह जाते हैं, तो ये जो इशारा है इसके पीछे की कहानी मध्य प्रदेश में चल क्या रही है जिस पर हमला जीतू पटवारी भी कर रहे हैं?
देखिए, जो जीतू पटवारी ने कहा वही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जैसे गुजरात का मुख्यमंत्री बदला है, हिमाचल पर वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला है, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह पे भी लोग निगाहें लगाए हुए हैं। मगर शिवराज सिंह पिछले लगातार लंबे समय से मजबूत बने हुए हैं, मगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता के कई दावेदार हो गए हैं, वो दावेदार अब बड़ी बात यह है कि वो दावेदार अपना इजहार भी कर रहे हैं। नौतम मिश्रा जब कहीं बाहर जाते हैं तो इस चीज से इनकार भी नहीं करते हैं। नौतम मिश्रा के नाम पे अटकलबाजी चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय तो लंबे समय से वेटिंग चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनको लगा गुजरात में जिस तरीके की जिम्मेदारी दी, बंगाल में जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई थी उससे उभर के आएंगे, फिर सब कुछ करेंगे। मगर ये तमाम अटकलबाजियों के दौर है। मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री पद के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में सत्ता में बने हुए 17 साल होने को है, और ऐसा लग रहा है कि वो यदि ऐसे ही दिन चलते रहे तो अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मगर उनके साथ के जितने लोग हैं वो सब बेचैन हो रहे हैं, और ये बेचैनी में इस तरीके की बयानबाजी कभी जाने में कभी अनजाने में हो रही है, तो ये सब उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक बार जीतू पटवारी से फिर पूछेंगे, तो आप मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अस्थिर है? नहीं, बिल्कुल 100%। आप अभी छापे डले CBI के, किनके पर डले? जो शिवराज सिंह जी के करीबी थे। उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का बयान आता है, उसी बीच में लगातार एक मंत्री, गृह मंत्री लगातार जो मुख्यमंत्री इन वेटिंग है वो ऑलरेडी दिल्ली के दौरे लगाता है। ये सब मैसेज देता है कि हम सत्ता की लूट में लगे हैं। पर हमारे लिए संकट ये है, कांग्रेस के लिए संकट ये है कि मध्य प्रदेश का भविष्य संकट में जाता जा रहा है, कर्जदार होता जा रहा है, यहाँ का युवा बेरोजगार। मगर कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस पार्टी जनता के सामने इनकी पूरी दशा और दिशा बता रही है। चलिए, कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि कैसे इस मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का स्थायित्व का दौर चल रहा है उसको कैसे बदला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की हालत भी कुछ बहुत बेहतर तो लग नहीं रही है। बिल्कुल, और इस बयान से कांग्रेस को मौका जरूर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से अपनी बात संभालते चुटीले अंदाज में आ गए कैलाश विजयवर्गीय, अटकलों का बाजार तो वो गर्म कर ही गए। शुक्रिया आपका ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।